एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं घूमने आ गई हूँ सराहन टेम्पल, आपको लेके मैं चलूँगी। तो लास्ट ईयर भी आपके लिए एक ब्लॉग लेके मैं आई थी, बट उस टाइम मैं सराहन नहीं जा पाई थी क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था। तो बुआ के घर मैं एक बार फिर से आई हूँ, आप देख सकते हो मेरी बुआ की बेटी प्रियंका, और साथ में है आदि, ये भी मेरी बुआ का बेटा है। तो हम सब जा रहे हैं सराहन, मामू हमें लेके जा रहे हैं जो मेरी बुआ के हस्बैंड हैं। तो मामू के साथ हम लोग सराहन मंदिर घूमने के लिए। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं सराहन। हम लोग ना मंदिर के बैक डोर से एंटर हुए क्योंकि जो फ्रंट गेट है जो टेंपल है उसका, तो वहाँ पे ना आजकल कुछ काम चल रहा था तो वहाँ से वो बंद था, तो हम जो है यहाँ से ही एंटर हुए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मंदिर परिसर, और यहाँ पे आके बहुत ही शांति मिलती है, ऐसा मन करता है बस यहीं पे रहे। देख सकते हो आप ऊपर जितना भी आपको दिख रहा नहीं, सब वुडन वर्क हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं मंदिर के अंदर माता रानी के दर्शन के लिए। मंदिर के अंदर जाने के लिए तीन गेट्स हैं, तो इन तीन गेट्स को क्रॉस करके आप मंदिर पहुंचते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं भी यहां पे चल रही हूं, तो एक के बाद एक मैं यहां पे गेट्स जो हैं वो क्रॉस करने वाली हूं। दोस्तों ये जो गेट्स हैं ना, ये चांदी के बने हुए हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, पूरे साल की अगर मैं बात करूँ ना, तो पूरे साल में 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु माता रानी के मंदिर में जो है इनके दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो दोस्तों मंदिर में आपको ऐसे यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर, यहाँ पे आपको अपना नाम एंट्री करना होता है और टोपी पहननी होती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पहन रही हूँ, नंगे सिर अंदर नहीं जाते हैं माता के मंदिर में, टोपी आपको पहननी ही पड़ती है। तो यहाँ पे मैं भी टोपी पहन रही हूँ और अब इसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। और इसके साथ साथ ये आप देख रहे हो, ये है लॉकर्स, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है ना, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, और भी जो आपका सामान है वो भी आप रख सकते हो। दोस्तों इसके इतिहास के बारे में आपको बताती हूँ। श्री भीमाकाली मंदिर हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर के सराहन में एक प्राचीन मंदिर है जो कि माता भीमाकाली देवी को समर्पित है। ये पूर्व बुशहर राज्य के शासकों की देवी है। ये मंदिर शिमला से 180 किलोमीटर दूर है और हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है। सराहन शहर को किन्नौर के द्वार के रूप में जाना जाता है। सराहन से 7 किलोमीटर की दूरी पर नीचे की तरफ जो है सतलुज नदी है, और सराहन की पहचान पुराणों में वर्णित तत्कालीन शोणितपुर से की गई है।
मंदिर के बिल्कुल साथ में यहाँ पे लंकरावीर जी का मंदिर भी है, आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर की ओर है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि माँ भीमा काली बुशहर रियासत के राज परिवार की कुल देवी है और इस मंदिर का पुनर्निर्माण वर्ष 1943 में तत्कालीन राजा पद्म सिंह ने करवाया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा सा मटका यहाँ पर है, कढ़ाई है और जिसमें कि चुनरिया बांधी गई है, तो वर्षों से जो है यहाँ पे ये रखा हुआ है। और मंदिर के परिसर में एक म्यूज़ियम है जहाँ मंदिर में दशकों से बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पुरातन पात्र महाप्रसाद ग्रहण करते भक्तों की विशाल संख्या की ओर इंगित करती हैं। और कुछ यहाँ पे आयुध हैं, संगीत वाद्य हैं जिनका कि इस्तेमाल किया जाता होगा, यहाँ पे जो समारोह होते होंगे, उत्सव होते होंगे उसके लिए जो है इनका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। और कई तरह के जो है अनेक दीप हैं जो यहाँ के काश्तकारों के कला कौशल का बखान करते हैं। तो कई तरह की चीज़ें इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं। दोस्तों म्यूज़ियम से थोड़ा सा आगे की तरफ में बढ़ी तो यहाँ पे मैंने देखा, नीचे को मुझे ना काफ़ी डर सा लग रहा था और यहाँ पे एक बॉक्स सा रखा था, तिजोरी जैसी मुझे लग रही थी, जिसको कि एक जो है शांगड़ से बांधा हुआ था और यहाँ पे ना पैसे भी चढ़ाए गए थे। तो यहाँ पे एक आप डोर भी देख सकते हो, नीचे ना एक डोर भी नज़र आता। और ये डोर आप देखो, ये पूरा चांदी का है, चौखट भी और दरवाज़ा भी। और दर्शन करने के बाद मैं नीचे आ गई, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं चल रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा था, ये एक लंबा सा वरांडा था और पूरा वुडन वर्क यहाँ पे हुआ है। तो मैं यहाँ पे इधर उधर चल रही थी और शूट करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ से मंदिर परिसर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था, आप देख पा रहे हो आगे शिव जी का मंदिर भी है साथ में। तो ये पूरा कैंपस जो है यहाँ पर, यानी कि मंदिर परिसर जो है वो माता भीमा काली मंदिर का है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो भी पहली बार मेरे YouTube चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।